नमस्कार दोस्तों, हमारे बीएस शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, अपने चैनल के द्वारा आज की वीडियो में हम अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास जो है, इसकी कथा श्रवण करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है, हमारे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। कई जन्मों के एकत्र किए हुए पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब पुरुषोत्तम मास कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे भगवान श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं तथा जय मुदीरयेत्। नारायण भगवान को नमस्कार है, देवी सरस्वती को नमस्कार है, व्यासी महाराज को नमस्कार है, जिनकी कृपा के द्वारा हमें जो पुरुषोत्तम मास के मातम की कथा श्रवण करने को मिली। हमारे पूर्वजों ने, व्यासी महाराज हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे उद्धार के लिए पहले से ग्रंथों की रचना कर दी कि आगे चल के कलयुग में जो संसारिक जन होंगे उनके उद्धार के लिए मैं वेद पुराणों की रचना करूं, किस तरह से संसार के जीवों का कल्याण होगा, इसी कार्य सिद्ध के लिए व्यासी महाराज ने पुरुषोत्तम मास की भी रचना करी। चारों वेद, 18 पुराण, 1000 उपनिषद, इन सभी की रचना कर डाली। वैसे 1,00,000 उपनिषद हैं। इस तरह से व्यासी महाराज के द्वारा रचित वेद ग्रंथों को साक्षात नारायण का स्वरूप मान करके हमेशा प्रणाम करना चाहिए। आज जो हम पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो भी माता बहन भाई दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूजी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिवरों, मैंने कल की कथा में बताया कि सुखदेव जी महाराज का राज्य परीक्षित के दरबार में जो जहाँ पर गंगा जी के किनारे सभा लगी हुई थी, उसमें आगमन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महासिद्ध सिद्ध, यहाँ तक कि देवता, यक्ष, गंधर्व भी संत ऋषि मुनियों का वेश धारण करके विराजमान थे। वहाँ पर सुखदेव जी महाराज पहुँचे, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, सुखदेव जी महाराज को सिंहासन पर बैठाया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मैं केवल अपने नारायण को प्राप्त करना चाहता हूं। पहले तो मुझे भय था कि तक्षक नाग मुझे दस लेगा, ब्राह्मण कुमार का मुझे श्राप लगा हुआ है, परंतु मेरा भय दूर हो गया है। आपकी अवस्था को देख करके आपके इष्ट देव को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा करी, उन भगवान का मैं ध्यान करता हूं, उन्हीं नारायण को सानिध्य के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, उन्हीं का सानिध्य मुझे प्राप्त हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, तुम्हारे समान सौभाग्यशाली भी कोई नहीं है, भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं तुम्हें गर्भ के अंदर दर्शन दिए थे। एक रिश्ते के अनुसार भगवान के तुम भ्राता भी लगते हो, क्योंकि जब तुम गर्भ में थे, अश्वस्थामा ने तुम्हें नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उस समय तुम्हारी सुदर्शन चक्र से रक्षा करी थी, तो इसलिए गर्भ के अंदर भगवान भी प्रवेश कर गए, तो एक ही गर्भ में दोनों आप चाहे थोड़ी देर की दी रहे पर एक साथ रहे। उस समय तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे पर तुम्हें स्मरण नहीं है।
राजन, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं अपने इष्ट देव श्री राधा कृष्ण के कहने पर ही यहाँ पर भागवत कथा सुनाने आया हूँ, सत्कर्म कथा सुनाने आया हूँ। राजन, चिंता ना करना, जब तक मैं बैठा हुआ हूँ तब तक तक्षक नाग भी यहाँ नहीं आ सकता। सौनक ऋषि कहने लगे, भगवान, सुखदेव जी के सामने तक्षक नाग क्यों नहीं आ सकता था? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसलिए नहीं आ सकता था, सुखदेव जी महाराज ने स्वयं कहा कि मेरी सम दृष्टि है। सुखदेव जी महाराज प्रत्येक पुरुष में जो है अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को देखते हैं, प्रत्येक स्त्री में राधा रानी को देखते हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं। अगर तक्षक नाग आता तो उसका विष भी अमृत बन जाता, क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि अमृत में ही है। अमृत में ही दृष्टि के कारण इसलिए तक्षक नाग नहीं आ सकता कि मैं जाऊंगा तो मैं भी कहीं अमृत में नहीं हो जाऊं तो श्राप ब्राह्मण का जूता हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने जो वेद व्यास जी के मुख से, अपने पिता के मुख से भागवत सुनी थी, वही तुम्हें सुनाने आया हूं। वो ज्ञान में तुम्हें बतलाऊंगा। यही ज्ञान जो है व्यास जी को नारद जी ने दिया और नारद जी ने स्वयं साक्षात नारायण से सुना था। अब इसकी कथा किस प्रकार से प्रारंभ होती है, वो कथा प्रारंभ कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। कह रहे हैं, एक समय नारद जी भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए श्रीमन नारायण नारायण की ध्वनि लगाते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। जहां पर अलक नंदा बह रही है, गंगा जी पृथ्वी पर अपने कलकल शब्द से प्राणियों के पापों का नाश करती है। यहां पर जो है ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने ब्रह्म में मन लगाए, जितेंद्रिय निर्मल तेजो में ऋषियों को देख करके उन सबको जो प्रणाम करते, पूजा पाठ करते। इसके बाद में नारद जी चल करके बदर का आश्रम में गए, जहां पर भगवान नर और नारायण तपस्या करते हैं। नारायण भगवान को वहां बैठे हुए देख करके कि नारायण भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनको जो है नारद जी ने प्रणाम किया, साष्टांग नमस्कार करके स्तुति करने लगे। हे देवादेव, हे संसार के स्वामी, हे दया सिंधु, आप सत्यपति त्रिसत्य हो, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नित्यम च सत्य। आप सत्य हो, संसार में जब संसार नहीं था तब भी आप थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे, आपका आदि मध्य अंत कहीं पर नहीं है। हे जगत के स्वामी, हे प्राणियों की रक्षा करने वाले, आप जो मेरा उद्धार कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद जी, किस कार्य के लिए तुम्हारा मेरे पास आगमन हुआ है, आप निसंकोच कहो। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस संसार में जो हृदय से आसक्त हैं, स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए हैं, ऐसे गृहस्थी लोगों के कल्याण के लिए मेरे मन में विचार आया था कि इनका उद्धार कैसे हो, इसी समस्या को लेकर कि आपके पास आया हूं। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्म लोक से विचरण करता हुआ आपके पास आया हूं। आप कृपा करके संसार के उद्धार का मार्ग मुझे दिखाएं, क्योंकि संत हृदय वही होता है जो संसार में कल्याण की कामना करें, दूसरों का परोपकार करें, वही संत होता है। संत वेश धारण कर लिया उसके बाद में भी लोगों के कल्याण की भावना नहीं, वो संत नहीं कहलाते। संत जो हमेशा परोपकार की भावना रखते हैं, यही भावना उनकी चाहे गृहस्थी में रहो, गृहस्थी में रहते हुए भी अगर आप परोपकार करते हैं तो आप संत ही हैं। हमेशा दूसरों का कल्याण करो। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप कल्याण का मार्ग दिखाएं। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है पुण्यदायिनी कथा है, जगत के विधाता उसके एकमात्र रक्षा करने वाले, पालन संगार करने वाले श्री नारायण हैं। हे नारद जी, तुम सारयुक्त कथा को जानते हो, फिर भी दरिद्रता को होने वाला यह श्रेष्ठ
पुत्रों को देने वाला, मोक्ष का देने वाला, शीघ्र सेवन योग पुरुषोत्तम मास कहता हूँ। इसकी सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा में स्पेशल पुत्र प्राप्ति के लिए जरूर सुननी चाहिए। पुत्र से नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, चाहे पुत्र की इच्छा हो, तब भी कथा को सुने तो निश्चित रूप से पुत्री भी होती है। पुत्र प्राप्ति वाले को पुत्र प्राप्ति होती है, और जिसके अंदर मनोइच्छा कोई और हो तो वो भी पूर्ति होती है। अनेक जन्मों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे रुई का पार एक चिंगारी से भस्म हो जाता है। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, हे त्रिलोक के स्वामी, चैत्र आदि महीनों की कथा तो मैंने सुनी, मैंने 12 महीने सुने हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगेन, फूस, महा, फागुन, ये 12 महीने मैंने सुने हैं। पर ये पुरुषोत्तम मास क्या है? ये अधिक मास होता क्या है? भगवान श्री नारायण कहने लगे कि अधिक मास जो है 13वां महीना है, जिसका निर्माण मैंने हिरण्यकश्यप के लिए किया था। हे नारद जी, अधिक मास का मातम जो है सभी महीनों से श्रेष्ठ होता है, ये 3री वर्ष में आता है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इसमें क्या स्नान, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, जब पूजा उपवास कैसे करना चाहिए, इसकी साधना क्या करनी चाहिए, और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री नारायण कह लगे कि ही नारद जी, आप चिंता ना करो, मैं सारी कथा विस्तार से बताऊंगा कि अधिक मास है क्या, अधिक मास की महिमा है क्या। आप ध्यान लगा करके बस इस कथा को श्रवण करें और पूरे नियम के साथ में श्रवण करें। इसके नियम भी बताऊंगा कि इसमें नियम क्या रखना चाहिए। आज के दूसरे दिन की, दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कथा में अधिक मास के मातम का वर्णन करेंगे, इसकी महिमा का वर्णन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और उनको भी बताएं, और रिश्तेदारों को भी जोड़ें, सगे संबंधी मित्रों को भी जोड़ें, सभी को इस कथा का लाभ मिलना चाहिए। और आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में इस कथा का श्रवण करें। बोले पुरुषोत्तम मास की जय।